emphasis on cutting-edge domain knowledge and benchmarking with world-class business. Big Tech. उम्मीदवारों की घोषित करने के बाद आज हमारे साथ जो है कपिल मिश्रा जी, पूर्व मंत्री, आम आदमी पार्टी के पूर्व मंत्री जो है राजघाट पर जो है प्रदर्शन करने पहुंचे हैं। जिस तरह से जो है कल कांग्रेस पार्टी ने भी और बीजेपी पार्टी ने भी आरोप लगाए हैं आम आदमी पार्टी पर कि जो है टिकट जो बेची गई है वो पैसे को लेने लगी है, क्या कहना चाहिए? आरोप नहीं है, ये दिखने लगा है। प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती है। सुशील गुप्ता और एनडी गुप्ता के चेहरों पर लिखा हुआ है कि इस प्रकार के लोग संसद में किस प्रकार भेजे जाते हैं। हिंदुस्तान का लोकतंत्र इस प्रकार के कई पापों की गवाही पहले भी दे चुका है। आज अरविंद केजरीवाल भी उसी श्रेणी में शामिल हो गए हैं जिस श्रेणी में कभी हम मायावती और लालू यादव को देखते थे। हम इसका विरोध करते हैं। इतिहास में जिस दिन ये लिखा जाएगा कि आम आदमी पार्टी की हत्या करके अरविंद केजरीवाल ने बड़े बड़े अरबपतियों को राज्यसभा में भेजा, उस दिन इतिहास में यह भी लिखा जाएगा कि आंदोलन के कुछ सिपाही ऐसे थे जो बापू की समाधि पर आके इसका विरोध दर्ज करा रहे थे, चुप होकर नहीं बैठे थे। सर, बात करते हैं जिस तरह की जो आम आदमी पार्टी के और भी प्रत्याशी हैं और भी नेता हैं उनको भी आना चाहिए था। इसमें जो है कल पीएससी की बैठक भी हुई, उसमें कुछ विधायक का भी ये कहना था कि इसमें आम आदमी पार्टी के भी जाना चाहिए, इस बारे में आपका कहना, क्योंकि कुमार विश्वास काफी जुड़े हुए हैं, उनके क्लोज थे। बिल्कुल, आम आदमी पार्टी के ही किसी कार्यकर्ता को, आंदोलनकारी को, किसी ऐसे व्यक्ति को जिसने संघर्ष किया हो, बलिदान किया हो, त्याग किया हो, लाठी खाई हो, डंडे खाए हो किसी मुद्दे पर दिल्ली के लिए, समाज के लिए, ऐसे व्यक्ति को संसद में जाना चाहिए था। कुमार विश्वास का नाम हो सकता था, आशुतोष का नाम हो सकता था, स्वाति मालीवाल का नाम हो सकता था, मीरा सान्याल का नाम हो सकता था, लेकिन जिस प्रकार का निर्णय लिया गया है उसमें तो कोई बहुत मोटा सौदा हुआ है वो साफ दिखाई देता है। एनडी गुप्ता और सुशील गुप्ता, इस बारे में किसी को लोगों को पता नहीं, क्या माना जाए कि इसमें जो है जो मुखिया है इसका काफी रोल रहा है कि इसमें इस चीज का जो उम्मीदवार पूरी तरह से चोरों के दल में फैसला चोरों का सरदार ही करता है। बिल्कुल, हमारे साथ जो है कपिल मिश्रा थे जिन्होंने ये साफ कहा है कि चोरों का दल ही जो फैसला करता है किसको राज्यसभा में भेजना है। कैमरामैन लोकेश के साथ रोहित शर्मा, टाइम न्यूज, दिल्ली। सर, आज जो राजघाट पर आप आ रहे हैं, क्या मोटिव है आने का? आम आदमी पार्टी का तो अभी तक कोई हाल नहीं है, आप ही लगातार आ रहे हैं। जिस प्रकार के उम्मीदवार राज्यसभा में भेजे जाने का निर्णय हुआ है मैं उसका विरोध करता हूं। आज राजघाट पे बापू की समाधि पर मौन व्रत पे बैठूंगा, इसलिए ताकि जब इतिहास लिखा जाएगा कि आम आदमी पार्टी के नाम पर बड़े बड़े अरबपति करोड़पति राज्यसभा के लिए नामांकन भरने जा रहे थे, तो इतिहास में ये भी लिखा जाएगा कि आंदोलन के लोगों ने उनका विरोध किया। आंदोलन का कम से कम एक सिपाही तो ऐसा था जो बापू की समाधि पर आकर अपना विरोध दर्ज करा रहा था। आज मैं दिल्ली के सभी विधायकों से ये अपील करता हूँ कि इस निर्णय को मानने से इनकार कर दे। कोई ना कोई कार्यकर्ता ऐसा हो जो राज्यसभा का नामांकन भरे, और विधायकों से अपील करता हूं कि किसी कार्यकर्ता का नामांकन भरवाया जाए और चुनौती दी जाए सुशील गुप्ता जैसे उम्मीदवारों को, तभी आंदोलन की जीत होगी। और हम भी ये कोशिश करेंगे कि किसी कार्यकर्ता का नामांकन भराकर सुशील गुप्ता को चुनौती दें।
पोस्टर पीछे लग रहा है सारे फोटो ये वाला रेस्ट चलते हैं।